वेलकम बैक, मैं हूं मानसी और आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। उत्तर प्रदेश में चार चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी पांचवे चरण में अवध और पूर्वांचल की है। यूपी के सात चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में है। पांचवे चरण के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जहां पर 692 उम्मीदवार किस्मत अजमाने उतरे हैं। पांचवे चरण में भगवान श्री राम की अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम होने हैं। बीजेपी के लिए अपने दुर्ग को बचाए रखने की चुनौती है, तो सपा और बसपा और कांग्रेस सत्ता की वापसी दारोमदार इसी चरण में टिका है। सूपे के बदले हुए सियासी समीकरणों में बीजेपी के सामने पिछली बार की तरह नतीजे दोहराना आसान नहीं दिख रहा है, तो सपा गठबंधन के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने अमेठी रायब रैली में है। अमेठी में राहुल गांधी को 2019 में हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस हर हाल में अमेठी में वापसी करना चाहती है। बसपा भी इस चरण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेताब है। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए सी लॉट न्यूज के साथ।